इतना स्वैसा कर, सुन लीजिए, 10 आदमी करके आप लोग भी बांट लीजिए, सुबह में ये 10 महिला, दिन में ये 10 महिला, शाम में थोड़ा सब लोग बांट बांट के आप सब लोग सरकार अनाज दे रहा है, गैस दे रहा है, दाल दे रहा है, आप लोग भी क्या करिए 10-10 लोग को बांट के थोड़ा अपना सहयोग कर दीजिए। हम बात करें जो भी है इंसाफ देंगे, बहुत सिलाइए, हाँ सही है, चावल तैयार बहुत कच्चा था तो सिला दीजिए। सुनिए सुनिए मेरे, बहुत कच्चा जानबूझ के कच्चा उतार दिया होगा। अरे इधर ना जाइए, आज जो बोलते हैं कच्चा है, जानबूझ के कच्चा उतारा होगा, धन उतारा लाइन के लिए बोलते तो लाइन पे नहीं था, दो दिन गर्दस था तकलीफ है विधायक जी को बोलने। और एक बार भी आपने हमको खबर नहीं किया और पॉलिटिक्स ले लिए, मोबाइल सामने लगाए हुए हैं, लोगों के दुख दर्द से आपको मतलब नहीं, आप लाइव रखिए, बंद मत करिए। सुनिए, आप हमको देखे आते हुए गरीब के बीच में, आप पहुंच गए मोबाइल लेके, और उसके बाद आपको जो बुझाएगा सो बोलिएगा, अभी राजनीति करने का समय नहीं है, अभी गरीब का इनका जो सफल मेरे हो, अब आपका लाइव बात नहीं सुन रहे, जी जी कर रहे हैं। एक तो अगर कोई दिक्कत था आपको, आप अगर इन लोग के चाहते थे तो एक बार फोन करना चाहिए आपको, एक बार भी आपने तो सूचना नहीं दी। हम खुद जो है गरीब के बीच में जा रहे हैं, इसका दुख दर्द सुन रहे हैं और सबको मदद कर रहे हैं। अभी सभी जगह मध्याह्न भोजन का भोजन चालू है, इस हमीदिया मदरसा में भी चालू है, बगल में सीएम कॉलेज में भी चालू, हमने तुरंत निर्देश दिया है डीपीएम को, थर्मल स्क्रीनिंग आज से कल तक में यहाँ होगा, जिन लोग को सिम्टम होगा उनको जो है कोविड टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि अभी कोविड का संक्रमण का भी स्थिति और हम लोग को कैसे नहीं मतलब, हम ही लोग रोड पर हैं, सुबह से चालू किए हुए हाँ चालू कर। और जो है मेरा ये प्रयास आपसे आग्रह होगा, आम जनता भी कष्ट में है, गुस्सा है, उसको भड़काइए मत, बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप देते हैं, आम जनता को भड़काइए मत, अभी कोविड का भी महामारी चल रहा है और अभी बाढ़ का भी, सब लोग विपदा में कौन आया है, जो लोग घर द्वार छोड़ के आए सब कष्ट में, सहयोग कीजिए, आपसे भी जितना बन पड़ता है कीजिए, हम लोग से भी जितना बन पड़ेगा करेंगे। अब आप हमको देखिए जनता को भड़काने लगे, फिर कर रखिए, फिर आप अरे तकलीफ सुने, तकलीफ सुने, निर्देश दिया तुरंत, यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग कराने के लिए दोनों जगह, यहाँ भी और वहाँ भी, सीएम कॉलेज में भी और मदरसा में भी, आप तो एक बार नहीं गया, थर्मल स्क्रीनिंग होना चाहिए, जनता का सुने हम कहना है, तुरंत थर्मल स्क्रीनिंग हुआ, भोजन जाके बेचारा मेहनत कर लगे, सब लोग अभी क्या कष्ट का समय है, तो सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, जो महिलाएं बेचारे बाढ़ प्रभावित थे उनको को भी थोड़ा खाना वाना बनाने में मदद कर देना चाहिए, प्रवेशन में मदद कर देना चाहिए, हमको बिजली की शिकायत मिली है, अविलंब बात करेंगे, पानी के भी कुछ लोगों ने शिकायत के लिए कहा, उसके भी हम, क्योंकि मुझे तो मैं तो आया तब लोगों ने कहा, या एक घर में घेरा घेरा लेके फिर आप नहीं सुनने तैयार है, पहले सुनिए ना पहले मेरा बात, फिर आप जी जी कर रहे हैं। सबसे बड़ा आपने क्या कहा, क्या नाम है, अर्जुन, अर्जुन सर, सबसे बड़ी बात तो आपने क्या किया, आपको आशीर्वाद सीधे आप बताने लगे, इसलिए हम सब देख रहे हैं और रातल पर है, आकाश में नहीं, चिंता मत करिए, जो भी इन लोग की समस्या है हम लोग उसको देख रहे हैं, देखेंगे आप मेरे बंद होने के बाद फिर अल्लाह बल्ल में भूल मैसेज पूरे जिला में जाता है और सरकारी आदमी पुलिस आदमी भी उसको देख रहा है, इसलिए ऐसा कुछ बात मत बोलिएगा जो जनता को भड़काने की कोशिश, एक मिनट आप लोग सब पीछे हटिए ना, एक सर, एक सर सर रुकिएगा भैया, जनता के बीच संक्रमण में हमेशा बढ़िया सर,
मास्क है बताइए, बिना मास्क के जो है घूम रहे थे हम लोग, का बात करेंगे, जो भी समस्या होगी उसका निदान करेंगे, भोजन की और आवश्यकता होगी तो भोजन भी बनेगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा, कोविड टेस्ट भी होगा, लेकिन साथ साथ है उसमें। सर सर एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल है सर, आखिरी सवाल है, दरभंगा सर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है सदियों से, मदरसा हमीदिया है सर और सीएम आर्ट्स कॉलेज है उस पार के लोगों के शरण का, लेकिन सर मेरा ये कहना है अगर ये दो जो स्कूल है मदरसा है बाढ़ पीड़ित का है, इसकी उस तरह से डेवलपमेंट भी होनी चाहिए कि ताकि इस पर थोड़ा सा ध्यान की जरूरत है। खाना कैसा है? अच्छा, अच्छा। खाना स्वाद है? हाँ, हाँ। नाम क्या है आपका? कहाँ से आए हो करण? अच्छा, क्या हुआ था घर में जो यहाँ आ गए? कितना पानी है? तुम्हारे ठेवना भर का पानी है कि पापा के ठेवना भर का? अच्छा, सभी यही है परिवार? हाँ। चलो।